हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अपने पीजी एंट्रेंस को एमकॉम एंट्रेंस CUET के थ्रू नहीं करवाएगी, वो अपना खुद का करवाएगी। मींस जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पीजी के एंट्रेंस CUET के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एमकॉम एंट्रेंस खुद से करवाने का फ़ैसला किया है। तो अब देखते हैं क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एमकॉम एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300। वन क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन कितने का रहेगा, 2 आवर। तो पेपर का पैटर्न क्या है कि टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 300, हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दो सेक्शन में आपके पेपर हो रहे हैं, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जनरल अवेयरनेस रहेंगी, जनरल इंग्लिश रहेंगी, जनरल हिंदी रहेंगी, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी रहेगी। सेक्शन वन में ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी 50 क्वेश्चन से। अब अगर हम सीट्स मेन कैंपस की बात करें तो 326 सीट्स हैं आपकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, जो आपका अपना कॉमर्स का जो सिलेबस है, सेक्शन बी की हम बात करें, उसमें आपके टोटल जो कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपके रहेंगे बिजनेस, जो आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस फाइनेंस, कंप्यूटर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज, GST, मार्केटिंग, HRM, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, बिजनेस एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। ये सारी चीज़ें आपको कॉमर्स में, मतलब जो आपने बीकॉम में पढ़ा है, ये स्टैट्स जो हैं, बिजनेस एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको पढ़नी हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हमारी चैनल पे आप पढ़ाई जाएंगी, जो भी तैयारी आपकी कराई जाएगी कि इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।